तो अगर आप एक नया पपी अपने घर लेकर आए हो या अगर आप एक नया पपी अपने घर लाने वाले हो तो बस एक बार ये छोटी सी वीडियो पूरी देख लेना। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ बताऊंगा कि पपी का ख्याल कैसे रखना है। बल्कि अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी या फिर स्किप कर दी तो आपके पपी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। पपी रखना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग पपी तो ले आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि पपी को कैसे पालना है। तो एक एक चीज बताने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो है, अपने पपी के लिए पूरी देख लो। बाकी यार इतना सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो इस चैनल को। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यार कि अगर आप एक पपी अपने घर लाने वाले हो तो अपने काम से 2 या 3 दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि यार पपी के साथ आपके पहले कुछ दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और काफी ज्यादा मुश्किल भी होने वाले हैं। इसलिए जितना टाइम आप पपी के साथ रहोगे वो आप दोनों के लिए ही उतना अच्छा होगा। तो 2 से 3 दिन आपका पूरा ध्यान पपी पर होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, आपको उसका काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और यार जिस भी दिन आप पपी को अपने घर लाने वाले हो उस दिन पपी को सुबह या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोपहर तक घर ले आओ। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सुबह या दोपहर तक अपने पपी को घर ले आते हो तो पपी को काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है घर के एटमॉस्फेयर में, घर के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाने का। थोड़ा उसका डर खत्म होता है, थोड़ा बहुत वो घर में घूम वूम लेता है, थोड़ा बहुत वो आपको पहचानने लग जाता है, ताकि यार रात को जब पपी सोएगा तो वो रोए ना और वो आराम से सो पाए। एक और गलती जो ऑलमोस्ट हर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर करता है वो ये है कि जैसे ही लोग घर पे अपने पपी को लाते हैं तुरंत ही उसे खिलाने लग जाते हैं, खाना और ट्रीट तैयार रखते हैं और जैसे ही पपी आता है उसे खिलाने लग जाते हैं। गाइस अगर आप ऐसे करते हैं तो चांसेस है कि पपी उल्टी कर दे या उसका पेट खराब हो जाए, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, एकदम कंफर्टेबल नहीं है। तो वो जो फूड आप उसको दोगे वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो अगर आप पानी देना चाहते हो तो पानी दे दो और कम से कम 2 घंटे तक पूरा पपी को घर घूमने दो, ताकि वो पपी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और उसके बाद आप उसे खाना दे सकते हो। पपी के पहले वीक में आप पपी को सिर्फ वही खाना दें जो उसका जो पहला ओनर था या जहां पे वो पहले रहता था, जो भी पेट शॉप से ले रहे हैं या किसी ब्रीडर से ले रहे हैं, तो जो भी ब्रीडर उसको पहले देता था खाने में सिर्फ वही आप उसको देंगे पहले वीक के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उसका खाना चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वीक में आप उसको वही खाना देंगे जो वो पहले खाता था, वरना उसकी तबीयत और पेट दोनों खराब हो सकते हैं। पपी को आप जितना भी खाना देने वाले हो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि दिन में पपी को 5 बार आपको खाना देना है। अब मेरे एक्सपीरियंस से जो बेस्ट डॉग फूड पपी के लिए है वो है फार्मिना का पपी स्टार्टर। ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि आप खुशी से पागल हो जाओगे। इटली की ब्रांडेड डॉग फूड कंपनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेना है तो ले लो यार, एक बार ट्राई करके देखो। मैं कह रहा हूँ अगर इसे आप अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ भी करके तो यार आप ड्रूल्स ले लो, वो भी उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। ड्रूल्स फार्मिना जैसा रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा लेकिन हाँ एक अच्छा रिजल्ट जरूर आपको दे देगा। इन दोनों का ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप खरीद सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फार्मिना का खरीद लीजिए। अगर आप किसी तरह उसको नहीं खरीद सकते तो आप ड्रूल्स की तरफ जा सकते हैं, दोनों ही जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। एक और चीज, पपी जो है वो पॉटी खाना खाने के बाद ही करता है, तो जैसे ही वो खाना खा ले आप उसे पॉटी करवाने वाली जगह पर ले जाए, जहां भी आप उसको पॉटी करवाना चाहते हैं। और जब वो पॉटी कर रहा हो तो उसे बार बार पूप पूप करके ऐसे बोलते रहे। अगर वो वहां पे पॉटी कर देता है तो आप उसे ट्रीट दे दें, इससे वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि पॉटी करने की यही सबसे अच्छी जगह है और वो आपके घर में इधर उधर पॉटी नहीं करेगा। 5 से 6 बार आप ऐसे करेंगे तो पपी अच्छे से समझ जाएगा। तो आपको पपी को पहले दिन से ही ट्रेन करना है, जो भी सिखाना चाहते हैं पहले या मैक्सिमम दूसरे दिन से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप पपी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे उतना ही जल्दी पपी सीखेगा, उतना ही अच्छा होगा उसके लिए, उतना ही डिसिप्लिन डॉग वो बनेगा और आपको पपी रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी यार खूब खेलो पपी के साथ, और यार वैक्सीनेशन लगवाना बिल्कुल भी मत भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि यार पपी की जान भी जा सकती है अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो।
मैं तो कह रहा हूँ वैक्सीन लगवा कर ही पपी को घर लाओ। पहले दिन जब आप पपी को परचेस करते हो तभी उसी समय वैक्सीन लगवा लो। आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि कब कब वैक्सीन लगवाना है पपी को। और यार जितना इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट डिवॉर्मिंग करना है, मतलब पपी के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उनको मारना है। वरना यार तुम्हारे पपी के बाल झड़ने लग जाएंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इवन आपका पपी बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकता है। डिवॉर्मिंग की जो दवाई होती है वो पपी लेने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। आपको डिवॉर्मर की जो दवाई होती है वो आपको पपी को ज़बरदस्ती पिलानी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पपी की हालत बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पपी उसे खाते ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वो एक ऐसा डिवॉर्मर है जिसको आप खाने में मिला के पपी को दे सकते हो और पपी को पता भी नहीं चलेगा और उसकी डिवॉर्मिंग भी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा डिवॉर्मर है, उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। बस जब आप पपी को खाना दोगे तो उसमें वो डिवॉर्मर मिला दीजिएगा। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली आप उसे परचेस कर सकते हो। और हाँ, पपी टॉयज अपने पपी को ज़रूर दे देना, वरना आपके घर में जितने भी फर्नीचर हैं जैसे बेड सोफ़ा वगैरह सबको आपका पपी चबा जाएगा और ख़राब कर देगा। क्योंकि यार उसके दांत निकल रहे हैं तो उसके दांत में बहुत खुजली होती है, तो पपी किसी भी चीज़ को चबाने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने पपी को एक टॉय दोगे तो टॉय से एक तो वो आपके फर्नीचर्स को या कोई सामान को नहीं चबाएगा, तोड़ेगा नहीं, और दूसरी चीज़ आपके पपी के दांत स्ट्रांग और क्लीन रहेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और सस्ता सा टॉय है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। पपी को साफ सुथरी जगह पर ही रखना है गाइस, जब तक उसकी वैक्सीनेशन ना हो जाए उसको बाहर नहीं ले जाना। पानी पपी के पास हर समय अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पपी को कभी भी प्यास लगती है वो आपको बोल नहीं सकता, तो हमेशा उसके पास पानी अवेलेबल होना चाहिए। पपी को आप एक छोटा सा बेड दे दीजिए, प्लीज़ उसे ज़मीन पर मत सुलाइएगा, क्योंकि अगर आप उसे ज़मीन पर सुलाएंगे तो उसे ठंड लग सकती है या कीड़े उसके आँख या कान में जा सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि पपी आपका 20 से 21 घंटे सोएगा। तो यार इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे पपी सोते हैं, इतना ही सोते हैं क्योंकि ये उनका ग्रोथ फेस होता है। और एक रूटीन फिक्स कर लीजिए अपने पपी का कि किस टाइम पे वो खाएगा, किस टाइम पे वो सोएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। जब भी पपी अच्छा काम करे तो उसे छोटे छोटे ट्रीट्स दे दें। और यार पपी लाने से पहले पपी का सामान घर जरूर ले आएं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यार केज में बंद मत करना प्लीज़ गाइस पपी को, वरना पपी परेशान हो जाएगा और ये उसके लिए एक टॉर्चर होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि यार पपी को कब नहला सकते हैं, तो अगर आपको पपी को एकदम अच्छे से नहलाना है तो 3 मंथ से पहले उसको प्लीज़ मत नहलाइएगा। उसे आप थोड़े से गीले पानी से पोंछ सकते हैं या गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन नहाना मत यार। पपी अगर ज़्यादा बीमार लगे या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें। और आखिरी चीज़ यार, पपी को एक अच्छे ब्रीडर से लें, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ब्रीडर से लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पपी आपका एकदम अच्छा रहेगा। बाकी यार रात के टिप्स मैंने आपको नहीं बताए कि रात में पपी को कैसे संभालना है, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाती। तो अगर आपको रात में जानना है कि पपी को कैसे संभालते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वाली वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा जो आपको अभी दिख रही होगी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी यार वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।